मजहबी दीवारों को तोड़ते हुए उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट वकार हुसैन ने एक नई मिसाल पेश की। जहां अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वकार हुसैन ने क्रिस्टल ग्लास पर सुसज्जित राम दरबार बनाया। वकार हुसैन ने करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत और लगन से सांप्रदायिक सौहार्द की ये अनूठी मिसाल पेश की है। पेश है ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के मशहूर आर्टिस्ट वकार हुसैन ने अपनी शिल्पकारी से सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। दरअसल वकार हुसैन ने भगवान श्री राम को समर्पित बेल्जियम के क्रिस्टल ग्लास से राम दरबार का निर्माण किया है। राम दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है, जिसको 24 कैरेट गोल्ड से सजाया गया है। क्रिस्टल ग्लास द्वारा हस्त निर्मित इस राम दरबार को एक ग्लास बॉक्स में फिक्स किया गया है। दरअसल ये क्रिस्टल ग्लास बेल्जियम से विशेष तौर से मंगवाया गया था। वकार हुसैन की ख्वाहिश इस पूरे दरबार को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करने की है। क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट का मैं एक क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट हूँ एंड क्रिस्टल की काफ़ी चीज़ें बनाता हूँ मैं। जैसे मैं भगवान श्री गणेश जी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमने विदेशों में जाके कई बार, और उसमें अपने इंडिया के सारा कल्चर मैंने वहाँ दिखाया, बैलगाड़ियाँ ये वगैरह सब बनाते हैं हम। लेकिन कभी कभी मन में एक विचार आता है कि हमारे शहर में या हमारे देश में जो एक भाईचारा एक ख़त्म होने हो रहा है या आपस में थोड़ा सा मतभेद पैदा हो रहा है, वो मतभेद मैं दूर करना चाहता हूँ अपनी कला के ज़रिए। बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपनी कला के ज़रिए करना चाहता हूँ। और उसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि मैंने भगवान रामचंद्र जी का एक राम दरबार बनाया है, और वो राम दरबार मैं चाहता हूँ कि देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं समर्पित करूँ। आर्टिस्ट वकार हुसैन ने बताया कि करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत से उन्होंने राम दरबार तैयार किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी को 24 कैरेट गोल्ड से सजाया गया। साथ ही पूरे दरबार और बॉक्स को छोटी छोटी लाइटों से सजाया गया है। इसका वजन लगभग 30 किलो और ऊंचाई 2.5 फीट है। वहीं मूर्तियों की हाइट 1.5 फुट रखी गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ महाबली हनुमान जी इसमें विराजमान है, और इनकी मूर्तियाँ जो हैं वो करीब 1.5 फीट की हैं, और उन मूर्तियों को रियल गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड से सजाया गया है, और बड़े दिल से काम किया। और इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही था कि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे और हम सबको कोई जुदा नहीं कर सकता। दरअसल बेल्जियम के क्रिस्टल ग्लास पर नायाब कलाकृतियां बनाने वाले वकार हुसैन के नाम 10 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही देश और दुनिया की कई नामी गिरामी हस्तियां अनूठी शिल्पकारी के लिए वकार को सम्मानित भी कर चुकी हैं। रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।